फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु एक्सिस बैंक तरफ एक बहुत बड़ निजुक्ति आसी अछि। जदि आपण माने दशम प्लस टू किंबा प्लस थ्री पास करथिबे तेबे ई पोस्ट अप्लाई करि परिबे। सबुठार बड़ कथा या जे आपण माने निज मोबाइल रे भी एथिरे अप्लाई करि परिबे। फ्रेंड्स जदि आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाउछंती तो मंथली आपण माने एथिरे 24,000 पर्यंत दरमा भी पाई परिबे, जाकि एक बहुत भलो सैलरी रहिबो। एथिपई कौनसी प्रकार परीक्षा नाही, केवल इंटरव्यू द्वारा ही आपण के एथिरे सिलेक्शन करा जिवो एवं एथिरे उभय पुरुष महिला प्रार्थी माने मध्ये अप्लाई करि परिबे। फ्रेंड्स एथिरे आपण माने किपरि अप्लाई करिवे निज मोबाइल रे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मु आपणकु वीडियो शेष रे फुल डिटेल्स रे कहिबी। जदि आपण माने अप्लाई करिया पई इंटरेस्ट रखुछंती तेबे वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखंतु। चालंतु प्रथमे आलोचना करि नेबा जे कोन होइचार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण माने निज जिल्ला रासुथिबा एई भली नुआ नुआ जॉब रो न्यूज पाया पई चाहौछंती तेबे हमरो चैनल टिकु सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो टिकु भी गोटिए लाइक कर दियंतु। फ्रेंड्स देखंतु ए नोटिफिकेशन टी एक्सिस बैंक तरफ रु ही आसी अछि। एथिरे केओ माने अप्लाई करि परिबे, एथिरे ऑल ओडिसा रा पिल्ला माने अप्लाई करि परिबे, एथिरे ऑल इंडिया पई पोस्ट होई छि, आमो ओडिसा पई भी पोस्ट होई छि, ओडिसा रा पिल्ला माने भी ए पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जेंडर टी भी बोथ मेल एंड फीमेल रहै छि, उभय पुरुष महिला प्रार्थी माने मध्य ए पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जदि आमे सैलरी कथा कहिबा तबे 24,000 रु स्टार्टिंग होई 32,000 पर्यंत आपण केथिरे मंथली सैलरी मिलि पाइबो। देखंतु आपण केथिरे एहा होची बेसिक सैलरी प्लस आपण केथिरे अदर अलाउंस भी मिलिबो। नेक्स्ट जो टोटल पोस्ट एथिरे पाखा पाखी 4,000 पोस्ट पे वैकेंसी रही छि। नेक्स्ट होची पोस्ट नेम, तो पिला माने देखंतु एथिरे डिफरेंट टाइप रो पोस्ट होई छि। पियोन टू आरंभ करी आपणकर सेल्स मैनेजर क्लर्क एवं अन्यान्य सब पोस्ट में वैकेंसी रहिबो। आपणकर क्वालिफिकेशन अनुसार से पोस्ट अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट होई छि एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। जदि आपणकर मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास थिबो किंबा प्लस टू पास थिबो किंबा प्लस थ्री थिबो किंबा आपण माने जदि एमबीए करथिबे किंबा आपण माने जदि बीकॉम करथिबे तबे एथिरे अप्लाई करि परिबे। देखंतु बीकॉम ना बीएससी किंबा आपणकर बीए थिबो जहां भी थिबो आपणकर प्लस थ्री स्ट्रीम किछि भी असुविधा नाही, कारण समस्त स्ट्रीम रो पिला माने पोस्ट अप्लाई करि परिबे। एथिरे मेंशन अछि समस्त स्ट्रीम रो पिला माने पोस्ट अप्लाई करि परिबे। फ्रेंड्स देखंतु एथिपई कोन सब एप्लीकेशन फी रहिबो, एथिपई नो फी रहिछि। आपण के एथिरे कोन से प्रकार एप्लीकेशन फी पे करिवार आवश्यक नाही। देखंतु कोन पई एप्लीकेशन फी फ्री रहिछि, जेहेतु एथिपई कोन से प्रकार एग्जाम नाही, नो एग्जाम रहिछि, केवल आपण को साक्षात्कार बा इंटरव्यू द्वारा सिलेक्शन करा जाउछि, सेथिपई एथिरे कोन से एप्लीकेशन फी नाही। जदि एथिरे एग्जाम होइथंता तो आपण के एथिरे एप्लीकेशन फी देबा को पडिथंता। देखंतु जनरल ओबीसी एससी एसटी समस्त कैटेगरी पिला मानक पई मागणा आवेदन रहिबो एवं निज मोबाइल रे भी अप्लाई करि परिबे। एथिपई जदि आपणकर क्वालिफिकेशन थिबो, आपण माने जदि टर्म्स एंड कंडीशन को क्वालिफाई करथिबे, हम मैचिंग आपणकर करथिबो, तो निश्चित रूपे अप्लाई करंतु। मु भी आपणके वीडियो रे अप्लाई करबार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहिबी। नेक्स्ट होची आपणकर सिलेक्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स देखंतु एथिरे डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस रहिबो, किंतु मैक्सिमम पोस्ट पे आपणकर इंटरव्यू द्वारा ही सिलेक्शन करा जिवो। बाकी पोस्ट पे आपणको अप्लाई कला समय से पोस्ट तले आपणको सिलेक्शन प्रोसेस क्वालिफिकेशन गुडी को देखिबा को मिलिबो। मु आपणको अप्लाई कला समय भी यार फुल इनफॉरमेशन जणा देबी। देखंतु सब पोस्ट पे आपणकर फाइनल स्टेप रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बा डीवीट रहिबो। तो फ्रेंड्स एही किछि प्रोसेस द्वारा ही आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाई परिबे। नेक्स्ट होची एज लिमिट। तो फ्रेंड्स देखंतु एथिपई मिनिमम एज टी रही 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष बयस रहिबो। जदि आपणकर कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लास बा ओबीसी होइथिबो किबा एससी एसटी होइथिबो किबा फिजिकल हैंडीकैप्ड होइथिबो, तो आपणके एथिरे अतिरिक्त एई सुविधा भी मिलि पारिबो सरकारक नियम अनुसार। एहा पर देखंतु जेतेबेले आपण माने एथिरे अप्लाई करिबे अप्लाई कला समय किछि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुडकर आवश्यक पडिबो। तो फ्रेंड्स देखि नियंतु केउ केउ सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पडुछि। जदि आपणक पाखरे एई सब डॉक्यूमेंट गुडीक उपलब्ध नथिबो तो अप्लाई करि परिबे नाही। जदि भी अप्लाई करुछन्ति तो आपणकर फॉर्म टी भी रिजेक्ट होई पारे। देखंतु प्रथमत रहि जे आपणकर ऑल क्वालिफिकेशन रो सर्टिफिकेट एवं तार मार्कशीट। जेतेबेले अप्लाई करिबे अप्लाई कला समय आपणकर जहां भी क्वालिफिकेशन थिबो बा आपणकु जहां भी क्वालिफिकेशन मागुथिबो आपण माने जे पोस्ट भी अप्लाई करथिबे आपणकु से क्वालिफिकेशन रो जेरॉक्स कॉपी सहित ओरिजिनल कॉपी को भी सांगरे रखी बा आपणकु जदि इंटरव्यू पे डका जिवो तो इंटरव्यू पे आपण माने से फॉर्म को बा आपणकर एप्लीकेशन फॉर्म को नै जिवा को पडिबो। सेकेंड रोज आपणकर रिज्यूम बा आपणकर बायोडाटा फॉर्म। तो फ्रेंड्स देखंतु प्रथमे जेतेबेला अप्लाई करिवे अप्लाई कला समय रे आपणको पाखरे एको रिज्यूम थिबा आवश्यक पडिबो, कारण आपणकर रिज्यूम ही प्रथमे अपलोड करिवे। जदि आपणको रिज्यूम ठीक ठाक थिबो तो सेमाने आपणको ईमेल द्वारा जोगाजोग करिवे।
रिज्यूम बा बायोडाटा फॉर्म जदि आपनको पाखरे थिबो तो भलो कथा नथिले भी मु आपनको ए बिषयरे कहि देबी। नेक्स्ट होची फोटो, आपण माने रिज्यूम रे जदि फोटो अटैच करथिबे तो किछि भी असुविधा नै। जदि आपनको अन्य कोनसी फोटो मागे, रिसेंट फोटो मागे, तो आपण माने सिंपली निज मोबाइल रे स्कैन करी अपलोड भी करि परिबे। कास्ट सर्टिफिकेट एबे आवश्यक नै। आईडी प्रूफ रे आधार कार्ड दिले चलिबो। तो पिला माने जदि आपनको पाखरे एही 5 रु 6 टी डॉक्यूमेंट थिबो तो एथिरे अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट होची आपनकर एप्लीकेशन मोड। तो देखंतु मु आपनको पूर्वर भी कहिथिली जेथि पई ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस रहिबो, निज मोबाइल रे भी एथिरे अप्लाई करि परिबे, किछि भी असुविधा नै। देखंतु जो स्टार्टिंग डेट रहिछि ऑलरेडी स्टार्ट होइ सारिछि। तो फ्रेंड्स चलंतु एबे आलोचना करिबा जे आपण माने किपर एथिरे अप्लाई करिबे। मु आपनको यहार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टेबे कहिबि। फ्रेंड्स देखंतु एथिरे आपण माने किपर अप्लाई करिबे, मु आपनको यहार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टेबे कहिबि। एथि पई आपण माने ए भिडीओटि को शेष बजन देखि नियंतु। प्रथमे आपण माने निज मोबाइल थिबा ए गूगल को ओपन करंतु। ओपन कला परे ए सर्च बॉक्स उपर क्लिक करंतु। एहा परे सर्च करंतु, कोन सर्च करबे सिंपली टाइप करबे ओडिसा, देन स्पेस दे लिखबे जीओवीटी बा गवर्नमेंट, डॉट स्पेस दे लिखबे जॉब, देन लिखबे डॉट, देन लिखबे इन। देखि पारथु मैटर कोन टाइप करले सिंपली आपण माने एभनी टाइप करिवे ओडिसा जीओवीटी जॉब डॉट इन। देखंतु टाइप कला परे पाखर थिबा सर्च ऑप्शन उपर क्लिक करबे। तो पिला माने क्लिक कला परे आपण को सम्मुखरे ओडिसा जीओवीटी जॉब रो साइट आसीथिबो। तो सिंपली आपण नोटिफिकेशन रो लिंक उपर क्लिक करंतु। फ्रेंड्स आपण माने से नोटिफिकेशन रो लिंक उपर क्लिक कला परे आपण को सम्मुखरे एई भुली किछि आसीथिबो। देखि परथबे आपण को एई भुली किछि सौथिबो डिफरेंट कैटेगरी अनुसार आपण को जॉब रो ऑप्शन गुडी को देखा दउथिबो। तो फ्रेंड्स देखंतु आपण को एठरे एको बैंक जॉब्स रो ऑप्शन टी देखिबा को मिलिबो। देखि परथबे राइट साइड रे एको ऑप्शन टी सौछि, सेकंड आपणकर कॉलम रे बैंक जॉब्स रो ऑप्शन टी सौथिबो। तो सिंपली आपण माने ए बैंक जॉब्स रो ऑप्शन उपर क्लिक करंतु। तो पिला माने देखंतु क्लिक कला परे आपण को फर्स्ट रे नोटिफिकेशन टी देखिबा को मिलिबो, एक्सिस बैंक रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 4000 प्लस पोस्ट। पिला माने आपण को प्रथमे जे नोटिफिकेशन टी देखा जेबो एक्सिस बैंक रो से लिंक उपर क्लिक करिवे। तो फ्रेंड्स देखंतु क्लिक कला परे आपण को सम्मुख रे एई भली किछि आसी दिबो। तो भला भाबरे पढ़ी नेबे जे क्यों क्यों प्रकार पोस्ट होइछि से विषय एठरे मेंशन भी करा जायछि। एवं देखंतु जो लास्ट डेट होइछि आपण केथिरे 30 दिन मध्ये अप्लाई करबा को पड़िबो। देखंतु अक्टोबर 9-10 रो जो आरंभ होबो आपण माने सिंपली काउंट करबे 1 मंथ पर्यंत, 1 मंथ भितरे आपण माने एथिरे अप्लाई करि परिबे। क्वालिफिकेशन देखंतु आपणकर जे पोस्ट भी अप्लाई करबे से अनुसार आपणकर क्वालिफिकेशन रहइबो। सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस विषय त म आपणक कहि सारिछि। एबे चलंतु देखिनेबा जे अप्लाई किपरि करबे। आपणको शेषर एक इम्पोर्टेंट लिंक देखा दिबो, एठरे अप्लाई ऑनलाइन लिंक अछि। तो सिंपली आप माने ए अप्लाई लिंक उपर क्लिक करंतु। पिला माने देखंतु आपण माने से अप्लाई लिंक उपर क्लिक करला परे किछि समय लोड हबो। आपण माने टिके वेट करिवे, देखि परथबे लोड होछि, टिके वेट करंतु। फ्रेंड्स आप माने प्रथम जते बेले क्लिक करिवे लिंक उपर एई भुली ही आपणको शो हबो। देखि परथबे वेबसाइट लोड होछि, कारण वेबसाइट बिजी अछि। तो आपण टिके वेट करिवे। तो पिला माने देखंतु एथिरे दुई प्रकार रे आपण माने अप्लाई करि परिबे। प्रथम प्रकार होछि आपण माने निजर आपणकर शहर बा आपणकर सिटी को एथिरे सर्च करि चेक करि परिबे जे आपणकर निज अंचल रे एक्सिस बैंक तरफ रे किछि वैकेंसी जदि बाहर छि तो आपण माने अप्लाई करि परिबे। जदि आपण माने ऑल इंडिया जॉब करै पय चाहौ छथि तो देखि परथिबे एथिरे क्लियर ऑल फिल्टर्स रो ऑप्शन अछि। तो सिंपली आपण माने क्लियर ऑल फिल्टर्स रो ऑप्शन उपर क्लिक करिबे। तो पिला माने देखंतु क्लिक कला परे आपणक सम्मुख रे एभली किछि सो हेबो। देखि परथु आपणको गोटे गोटे पोस्ट नोटिफिकेशन गुडी को देखिबा को मिलिबो। प्रथम आपणकर मैनेजर पोस्ट होइछि, को ट्रेड पोस्ट होइछि, एहा पर आपणकर बिजनेस एनालिस्ट होइछि, ब्रांच हेड पोस्ट होइछि, आरएम पोस्ट होइछि, ब्रांच हेड होइछि। देखि परथु डिफरेंट टाइप रो पोस्ट होइछि, सेल्स मैनेजर पय भी देखि परथु वैकेंसी रहिबो। पिला देखंतु यहाँ पर व्यू मोर अछि, व्यू मोर उपर क्लिक करिवे। यहाँ पर देखि परथु ब्रांच हेड एमईजी, तो डिफरेंट टाइप रो असिस्टेंट मैनेजर, तो आपण के एथिरे डिफरेंट टाइप रो पोस्ट देखिबा को मिलिबो। देखंतु एठरे आपण को जॉब रो पोस्टिंग भी देखिबा को मिलिबो। जदि आप माने चाहौ छथि आउट ऑफ ओडिसा रे जॉब करिया पई तो चाहिले एही पोस्ट उड कर अप्लाई करि परिबे। कि पर अप्लाई करिबे सिंपली से पोस्ट उपर क्लिक करिबे, क्लिक करि अप्लाई करिबे। मु आपण के ओडिसा विषय रे कहिबे, ओडिसा भितरे कि पर अप्लाई करिबे। देखंतु ए जो सर्च बार ऑप्शन अछि एठरे क्लिक करिबे। क्लिक कला परे सिंपली टाइप करिबे कोन, मु देखंतु एठरे भुवनेश्वर टाइप करली। आपण निज अंचल को भी टाइप करि परिबे। देखंतु आपणकर सिटी नेम को एथिरे एंटर करिबे, जेपर कि ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, संबलपुर, एही भली आपण माने सर्च करि परिबे।
फ्रेंड्स देखो आप माने सिंपली एंटर कलापर पाखर जो आपको एक सर्च ऑप्शन टी शो हो तो सिंपली आप माने से सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिपे मुझे सर्च ऑप्शन पर क्लिक कले भुवनेश्वर टाइप कर देखिपे भुवनेश्वर जहाँ भी वैकेंसी रही तार नोटिफिकेशन आप देखा मिले केवल तीनो पोस्ट हो देखिपे एमईजी पोस्ट हो सेल्स मैनेजर पोस्ट हो होलसेल आरएम पोस्ट में वैकेंसी रही है। देखो जदि आप संबलपुर हो तो संबलपुर को भी टाइप करेंगे तो सिंपली आप लिखे ए संबलपुर यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पे देखूँ जो आपंकर संबलपुर रही केवल गोटे पोस्ट रही एरिया सेल्स मैनेजर ये भाव में आपर सीट को सर्च करेंगे जपरिक भवानीपाटना हो जाओ ब्रह्मपुर हो जाओ यह मेन मेन सीट को ये एंटर करेंगे आप जिला अंडर में पिला देखते एवं किपर आप्लाई करेंगे से विषय में कहूँ। देखो ये लोकेशन आपणकर पोस्टिंग लोकेशन देख तो सिंपली आपने जो पोस्ट भी आप्लाई करने चाहूबे से पोस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक कला देखो आप्लिकेसन फर्म टी ओपन हम एठे आप टर्म्स एंड कंडीशन जॉब रो रोल कौन से विषय एठे देखा मिले भल भाव पढ़े भल भाव पढ़े जदि आपको भल लगुव क्वालिफिकेशन आपंकर मैच होदि आपंकर एक्सपीरियंस थी देखो एक्सपीरियंस पिला प्रिफरेन्स मिले जदि न थी तो आप्लाई करेंगे किसी भी असुविधा ना कि एक्सपीरियंस थे ही आपको प्रिफरेन्स देते तो पे कौन करेंगे ना आप्लायर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखो सिंपली क्लिक करूँ आप्लायर ऑप्शन पर देखो आप्लायर ऑप्शन पर क्लिक कला आपको आपंक सम्मुख एक आप्लिकेसन फर्म टी आसो देखिपे यह हूँ आप्लिकेसन फर्म आपको किसी करना ना फर्म टी सिंपली फिल करेंगे। फास्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी कांटेक्ट नंबर पिनकोड यहाँ पर जदि आपंकर पीडब्ल्यू डी कैटेगरी होती है तो यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जेंडर यहाँ पर आपंकर शेष अपलोड रिज्यूम पे आपको कही रिज्यूम आवश्यक पड़े बायोडाटा फर्म आवश्यक पड़े जिते बड़े आप प्रथम आप्लाय करेंगे तो सिंपली आप ब्राउजर ऑप्शन पर क्लिक कर निजर रिज्यूम टी अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखो टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करेंगे सबमिट आप्लिकेसन फर्म अच्छे शेष आपको सो थी तो सिंपली आप सबमिट आप्लिकेसन फर्म ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स तो पे आपमिट कलापर आपंकर आप्लिकेसन फर्म टी सक्सेसफुल सबमिट हो तो फ्रेंड्स यही भाव में आप्लाय करेंगे जदि आपंकर रिज्यूम टी ठीक ठाक थी आपने जो एठे एंटर करते ईमेल आई डी से ईमेल आई डी द्वारा ही आपको जोजोग तो फ्रेंड्स यह संपूर्ण इनफर्मेसन जदि आपको किसी भी डाउट लगुच तार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।